Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों गुड इवनिंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों शाम के 8 बज चुके हैं और जैसा कि मैं हर संडे को लेता हूं आपका वीकली करंट अफेयर का क्विज का टेस्ट, तो आप लोग रेडी हो गए होंगे आई थिंक टेस्ट देने के लिए। तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो इसमें मैं आपको बता दूँ 3 मार्च से 9 मार्च तक के यानी कि इस हफ्ते के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। 60+ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगी टेस्ट देने में। तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और आंसर फटाफट करते रहिएगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से आपको 5 से 10 सेकंड का मौका दूंगा, तो आपको 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है। चलिए ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस केंद्र और किस बैंक ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों के संचालन के लिए $926 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो केंद्र और किस बैंक ने मुंबई मेट्रो के लिए $926 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, मुंबई मेट्रो के लिए। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मूडीज के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर क्या होगी, कितनी होगी? मूडीज ने जो रैंकिंग अनुमान जारी किया है भारत की विकास दर को लेकर के, GDP ग्रोथ को लेकर के, वो कितना है 2019 में, जल्दी से बताइए कितना है? 7.3%, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो किस मंत्री ने किया है, किसने किया है? अरुण जेटली जी ने, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में IRCTC ने किस नाम से अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया? डिजिटल पेमेंट गेटवे किस नाम से लॉन्च किया IRCTC ने? IPay नाम से, IRCTC IPay नाम से डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? 500 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन बन गए हैं? क्रिस गेल, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष, नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कौन चुना गया है? हसमुख आधिया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप बताइए हसमुख आधिया इससे पहले क्या थे, अगर आपको याद हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बॉक्सिंग में मकरन में स्वर्ण पदक जीता? बॉक्सिंग में मकरन में स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है, किसने जीता है? दीपक सिंह ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस नदी पर 4 लेन के पुल के निर्माण को मंजूरी मिली है? 4 लेन के पुल के निर्माण में किस नदी को, नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी मिली है? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बारे में कोई एक पॉइंट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, कोई सा भी एक पॉइंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? थंगा दार लोग को, ये एक आदिवासी संगीतकार हैं, ठीक है, इनको अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब मनाया गया है? 3 मार्च को। अभी शुरुआत में मैंने आपको 1 मार्च के बारे में बताया, तो 1 मार्च के बारे में जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अगला है, हाल ही में किस संस्था के प्रमुख को मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 मिला? मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किस संस्था के प्रमुख को मिला, किसको मिला है? DRDO के प्रमुख को। DRDO के प्रमुख हैं कौन, जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन है प्रमुख DRDO के बताइए मुझे।
आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 आयोजित हुआ? मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। आई थिंक आपको जो मैं 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ वो इनफ है, ठीक है। इसी के अंदर में आप लोग रिप्लाई करते जाइए, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूँ उसके भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में एक्सपोर्ट टू जॉब रिपोर्ट किसने जारी की? एक्सपोर्ट्स टू जॉब रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट टू जॉब रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। आगे देखते हैं, दुबई टेनिस ओपन का खिताब किसने जीता? दुबई टेनिस ओपन का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने 100वां खिताब भी जीत लिया है अपना, इनके करियर का 100 खिताब हो चुका है और ये 100 खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G1 योजना को मंजूरी दी। इस योजना में आई का क्या अर्थ है? G1 योजना, इसमें आई का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए, आई का अर्थ है इसमें ईंधन। अच्छा, जे का क्या अर्थ है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, जे का क्या अर्थ है जीवन योजना में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कोच अवार्ड 2018 जीता? किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कोच अवार्ड 2018 जीता? किसने जीता? उड़ीसा के, ठीक है। उड़ीसा स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जीता है स्कोच अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के साथ द्विपक्षीय स्वैच्छिक व्यवस्था BSA पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? RBI ने किस बैंक के साथ? बैंक ऑफ जापान के साथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने राइस नॉलेज बैंक नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया? राइस नॉलेज बैंक नाम का वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, असम, अभी असम के जो राज्यपाल हैं वो किसी और स्टेट के राज्यपाल बनाए गए हैं। कौन सा वो स्टेट है जिसके राज्यपाल बनाए गए हैं असम के राज्यपाल, उनके बारे में आप लोग जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी? तो कहाँ रखी है? गाजियाबाद में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM, ये नहीं रहेगा, NIUM रहेगा, कि आधारशिला कहाँ रखी? गाजियाबाद में। अच्छा, इसकी मेन ब्रांच कहाँ है? अगर आपको याद हो, करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था, डेली करंट अफेयर में, अगर याद हो तो बता दीजिए इसकी मेन ब्रांच कहाँ है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? युवा विज्ञान कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये सब वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग तुरंत जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? AK-203 राइफल्स किस देश के साथ किया समझौता? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। अमेठी में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी उद्घाटन हुआ है, वहीं पर ये बनेगी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में किसने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? वन नेशन वन कार्ड किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको मैं, ये टेस्ट है, जो लोग टेस्ट नहीं देते होंगे रेगुलर वो लोग जान लें, ये केवल टेस्ट है। इनके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ डेली करंट अफेयर वीडियो में, तो रोज़ाना आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो को जरूर देखा करो। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठकर आप लोग वीडियो देखने की हैबिट डालो, रोज़ सुबह वीडियो 4 बजे अपलोड हो जाती है, आप लोग वहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। ये तो मैं संडे को टेस्ट लेता हूँ, तो वो टेस्ट है आज का, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं सारे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? तो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? बहुत ईजी है, आप लोग आंसर भी कर चुके होंगे, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें से बताना है कि भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर, उसमें कौन सा विमान यूज किया था, कौन सा फाइटर जेट यूज किया था? याद हो तो नाम जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आगे देखते हैं, NGO ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? NGO ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम शहर सबसे प्रदूषित शहर चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास समिति का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ?
संप्रीत का आठवां संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका आठवां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तंगेल में, बांग्लादेश के तंगेल में, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, याद है नाम? जल्दी से कमेंट कीजिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम, प्रेसिडेंट का नाम। मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहा हूँ इसके बारे में आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहेगी और आपका रिवीजन जरूर होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयागराज कुंभ मेले को किसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? प्रयागराज कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है किस चीज़ के लिए? भीड़ प्रबंधन के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए, सार्वजनिक स्थलों की पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड के लिए, किसके लिए? उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है, उपरोक्त सभी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कुंभ मेले को। चारों स्थान जहां पर कुंभ मेले लगते हैं, आप लोग नाम लिखिए उन चारों स्थान के कि भारत में कहां कहां पर कुंभ मेले लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया? किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया? किस बैंक ने प्राप्त किया है? इंडियन बैंक ने, ठीक है। अब इंडियन बैंक के CEO कौन हैं, इसको आपको बताना है। आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे आप अपना डेली करंट अफेयर वीडियो, तो आप लोग ऐसे ही करते रहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। इंडियन बैंक के CEO कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है आपको तो कुछ लोग ज़रूर कमेंट करके बता दिए होंगे, उनके कमेंट में आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहा हूँ उसके बारे में आप लोग अगर रिप्लाई करते होंगे, आपको अगर जैसे पता है तो आप रिप्लाई करेंगे, तो जिसको नहीं पता वो देख लेगा तो उसका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है, और आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार असम के किस जिले को शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया? डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार असम के किस जिले को, बताइए जल्दी से, हैलाकांडी जिले को, किसको? हैलाकांडी जिले को, ठीक है। असम आया है तो यहाँ से एक पॉइंट अब आपको और बताना है, आप ये बताइए कि असम के गवर्नर कौन हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर गए थे? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर गए हैं अभी हाल ही में? किसी देश की 8 दिनों की यात्रा पर हैं, ठीक है, किस देश की? पराग्वे और कोस्टा रिका, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 8 दिवसीय यात्रा है इनकी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भगवान लाल साहनी को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, भगवान लाल साहनी को। इसके बाद है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट में, बिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? फोर्ब्स की लिस्ट है, बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें मुकेश अंबानी को कौन सी रैंक मिली है? 13वीं रैंक। अब आपको बताना है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है, क्योंकि हुनरू की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछ लिया है, तो आप बताइए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया? 25.2 मिलियन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। इसके बाद है, वर्ष 2019 में किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल दिए जाने की घोषणा हुई है? 2 बार नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। मेरा टारगेट है आप लोग को जितने भी क्वेश्चन दूँ, जैसे इस वीडियो में 62 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 62/62 स्कोर करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बहुत मेहनत करके आपको डेली करंट अफेयर वीडियो पढ़ाई है, बताया है रोजाना, तो आप लोग भी संडे को जो टेस्ट देते हो तो कोशिश यही किया करो कि पूरा 100% स्कोर करो, ठीक है, और स्कोर जितना हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किसके परिसर में किया गया? कुतुब मीनार परिसर में, इंडिया गेट परिसर में, लाल किला परिसर में, या गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में? तो कहाँ किया गया? लाल किला के परिसर में, ठीक है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2019 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 2019 शुरू हुआ? किस देश के बीच शुरू हुआ? भारत और ओमान के बीच में, ठीक है, ये शुरू होगा, सॉरी 12 मार्च कल ये शुरू होगा, ठीक है, तो कल से शुरू होगा और ये 25 तक चलेगा, अल नगाह, भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए अस्थायी आयोग लाया गया?
महिलाओं के लिए अस्थाई आयोग परमानेंट कमीशन लाया गया है, किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में चुना गया? किस कंपनी को चुना गया दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में? टाटा स्टील को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। टाटा स्टील के चेयरमैन कौन हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, टाटा स्टील के चेयरमैन कौन हैं। इसके बाद है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कौन दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बनी? फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन बनी? काइली जेनर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नया ट्रांसपोर्ट सचिव किसे नियुक्त किया गया? ट्रांसपोर्ट सचिव किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? संजीव रंजन को। किसे? संजीव रंजन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने ईवी चार्जर नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर नेटवर्क कौन स्थापित करेगा? BHEL। आई थिंक अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे तो इसके महानिदेशक का नाम आपको याद हो गए होंगे, तो कौन है आप लोग ज़रा कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 3D प्रिंटिंग के लिए COE की स्थापना करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए हैं? HP इंक इंडिया ने। किसने? HP इंक इंडिया ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इंडियन नेशनल अचीवर्स के महानिदेशक कौन है? PV रमेश, ठीक है, PV रमेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस कब मनाया गया? ये 7 मार्च को, ठीक है, 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला? क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड किसे चुना गया है? किस शहर को? इंदौर को, ठीक है। इंदौर अच्छा किस राज्य में पड़ता है, आपको याद हो तो बताइए, इंदौर किस राज्य का है, किस स्टेट का जिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य के CM ने देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी? तो किस राज्य के CM ने रखी है? उत्तराखंड के, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उत्तराखंड के CM ने। उत्तराखंड के CM हैं कौन, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आगे है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कौन बना है 124वां सदस्य? मलेशिया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, मलेशिया बना है 124वां सदस्य। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस बैंक ने किया है ऐसा हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर के? SBI ने। किसने? SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कौन है अध्यक्ष? नेक्स्ट है, विश्व बैंक NRETP को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? NRETP को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? 250, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रीन एरा अवार्ड जीता? ग्रीन एरा अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? TVS मोटर कंपनी ने, ठीक है, TVS मोटर कंपनी ने जीता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कौन सी प्राचीन जनजाति भाषा पढ़ाई जाएगी? कौन सी प्राचीन जनजातीय भाषा पढ़ाई जाएगी मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में? करेक्ट ऑप्शन इज सी, गोंडी, गोंडी भाषा पढ़ाई जाएगी। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, आपको 5 से 10 सेकंड का मैं मौका दे रहा हूँ, और आई थिंक ये आपके लिए इनफ होगा। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक। तो आप लोग कोई वीडियो मिस मत किया करो, रोजाना वीडियो को देखा करो, ठीक है। जो भी वीडियो इस चैनल पर आएगी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के ही फीडबैक के अनुसार वीडियो बनाता हूँ। आप लोग जो कमेंट करके बताते हो, जिस टॉपिक पर बोलते हो, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो इस वजह से आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। बेल आइकन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है वीडियो का, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? आई थिंक इसका आंसर तो आप कर ही दिए होंगे। स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है?
BEL ने, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की? मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा ने शुरू की है, ठीक है, किसने? उड़ीसा ने शुरू की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 8 मार्च है, ज़्यादा टाइम ना देते हुए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। अब इसमें थीम के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, इसकी थीम है दोस्तों बैलेंस फॉर बेटर। अब यहाँ पर सब लोग कन्फ्यूज ये हैं कि जो इसका सब्जेक्ट रखा गया है उसको ये थीम समझ रहे हैं। देखिए, इसकी थीम है बैलेंस फॉर बेटर और इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है यानी कि विषय रखा गया है वो है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज, ठीक है। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, बैलेंस फॉर बेटर है इसकी थीम और इसकी सब्जेक्ट रखा गया है, इसका विषय रखा गया है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर चेंज, तो ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट अलग है, विषय अलग है और थीम ये अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? मिजोरम के, ठीक है, मिजोरम के। मिजोरम के राज्यपाल कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में? कौन थे? कुम्मानम राजशेखरन, ठीक है। अच्छा, अब मिजोरम के राज्यपाल कौन बना दिए गए हैं जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कौन है राज्यपाल अब। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने कितने रुपए के नए सिक्के जारी करने की घोषणा की? केंद्र सरकार ने कितने रुपए के नए सिक्के जारी करने की घोषणा की? 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए के सिक्के जारी करेगा केंद्र सरकार, जारी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बोलो ऐप किसने लॉन्च किया? बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने? गूगल ने। फटाफट आंसर करते जाइए, गूगल के CEO कौन है करंट टाइम पर, कौन है? नेक्स्ट है, हाल ही में UNDP ने किसे सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पद्मा लक्ष्मी को। किसे? पद्मा लक्ष्मी को। UNDP की स्थापना कब हुई थी जल्दी से बताइए अगर याद हो तो। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? नारी शक्ति पुरस्कार 2018 कहाँ किया गया इसका आयोजन? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 महिलाओं को सम्मानित किया नारी शक्ति पुरस्कार से, ओके। नेक्स्ट है, जमीन से संबंधित मुद्दों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? जमीन से संबंधित मुद्दों के लिए ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? ई धरती ऐप, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। अगला है, सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? भारत का नया राजदूत सऊदी अरब में यानी सऊदी अरब के लिए किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर औसाफ सईद को। किसे? डॉक्टर औसाफ सईद को। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस ऑटो कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस ऑटो कंपनी पर लगाया 500 करोड़ रुपए का जुर्माना? वोक्सवैगन पर। किस पर? वोक्सवैगन पर। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया है तो इसके अध्यक्ष कौन है करंट टाइम पर बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, कौन है इसके अध्यक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, ठीक है। तो बस दोस्तों, ये है 62 क्वेश्चंस यानी 60 प्लस क्वेश्चंस हो गए इस वीक से। आई थिंक आपको टेस्ट देने में मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो को सॉल्व करने में, इस टेस्ट को सॉल्व करने में, अपना वीकली करंट अफेयर रिवाइज करने में, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं ये भी ज़रूर बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि मेरा जो पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे, ठीक है, और बिना लाइक किए मत जाइएगा प्लीज़ दोस्तों, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि डिसलाइक करने के साथ साथ आप लोग ये भी बताइए कि क्यों नहीं पसंद आया आपको, क्या कमी रह गई, उस कमी को मैं जानूंगा, मैं अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करने के बाद कारण भी लिखें कृपया करके, और लाइक करने वाले तो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हर संडे को ऐसे ही मैं टेस्ट लेकर आता हूँ और डेली करंट अफेयर वीडियो रोज़ाना 4 बजे अपलोड हो जाती है। इसके साथ ही मैं डेली GK का टेस्ट भी आता है शाम को नीलू मैम द्वारा, तो आप लोग वो टेस्ट भी ज़रूर सॉल्व किया करो। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बहुत अच्छे से उस वीडियो में भी आपका रिवीजन कराया जाता है, जो कि डेली होता है 8 बजे शाम को। आज संडे था तो इस वजह से आज संडे के दिन वीकली क्विज मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। बाकी डेली GK टेस्ट रहता है 8 बजे रात को, तो आप लोग वो टेस्ट भी ज़रूर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.